बस करो बेटा, मत रो। उस बेजमीर इंसान के लिए तुम अपना दिल क्यों जला रही हो? मम्मी, मैं उसके लिए नहीं रो रही, मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि सारे बेवफा लोग मेरे ही नसीब में क्यों लिखे हैं। आप भी हर रात के बाद सवेरा आता है और मुझे यकीन है कि आपके ये इम्तिहान खत्म हो जाएंगे और देखिएगा आप जिंदगी में बहुत खुश रहेंगे। छोटी उम्मीद ना दो मलिया, ना मुकम्मल औरत के साथ और क्या अच्छा हो सकता है। और अम्मी, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी, मुझे पता है कि ससगर ने मेरा कितना नुकसान किया। और मलिया, मेरा जितना नुकसान होना था वो हो गया, मैं और तुम्हारा नुकसान नहीं होने दे सकती। आपी, आप मेरी फिक्र छोड़ दें, मुझे अभी शादी नहीं करनी। ऐसे ना कहो, ये सब मैंने बिगाड़ा था ना, इसको सुधारूंगी भी मैं। तो मेरी फिक्र नहीं कर, मेरे हालात की वजह से इतनी तो मजबूत हो गई हूं मैं, तुम्हारी तरह के अपना और अपनी माँ का ख्याल रख सकूं। तो बस मेरी फिक्र ना कर। इंसान हो गई, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। बना रहा थी, तुझे अंदाजा भी नहीं है मैं तेरे साथ क्या कर सकती हूँ। ऐसा चिल्लाऊंगी ना मोहल्ले में कि पूरा मोहल्ला जमा हो जाएगा, उनको चिल्ला चिल्ला के बोलूंगी कि यार ये आदमी कातिल है। तुम इतना सारा सामान क्यों ले आए हो? कुछ दिनों के लिए लाहौर जा रहा हूँ काम से। सोचा कि मनाज की तबीयत खराब है और तुम्हें घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा चीजों के लिए। खैर देख लो, अगर किसी चीज की कमी है तो बता दो, मैं ले आऊंगा। नहीं नहीं, तुम ऑलरेडी इतना सारा सामान ले आए हो, और कुछ नहीं चाहिए। खैर मुझे ये बताओ, तुम लाहौर क्यों जा रहे हो? एक मीटिंग है, बस दुआ करो वो अच्छी हो जाए। बहुत बड़ा टेंडर है, वो मिल जाएगा। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। मेरे लिए क्यों? हमारे लिए क्यों? क्या हम एक नहीं? एमन का क्या हाल है? ठीक है, बस थोड़ी सी उदास है घर से दूर होने की वजह से। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, वरना मैं कभी भी उसे बोर्डिंग ना भेजता। तो तुम उसे मेरे पास छोड़ देते ना? तुम्हारे पास पहले कम है परेशानी, एक वो आ जाती तो एक और इजाफा हो जाता उसमें। खैर वैसे भी आगे तुमने ही उसे संभाल लेना सारी। अच्छा मुझे ये बताओ, मेनाज की तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर है अब। और असगर, उसने फिर कोई शोर शराबा तो नहीं किया? असगर का तो कुछ अता पता नहीं है। लेकिन है कहाँ वो? कहीं भी हो, लेकिन फहद मैं उसे घर पे घुसने नहीं दूंगी। देखो मलिया, जो कुछ भी करना है सोच समझ के करना, उसका शौहर है
इस बात को समझ लो तुम, और जो कुछ भी तुम उसके साथ करोगी उसका खमियाजा जो है वो महनाज को ही भुगतना पड़ेगा। अब वो आप ही के साथ कुछ करे तो सही, मैं उसका हशर बिगाड़ दूंगी। खैर मैं चलता हूँ, मुझे कुछ पैकिंग करनी है। फाहद, अब वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहो। फाहद तुम अच्छी तरह जानते हो कि उसमें मेहनत आप ही की जिम्मेदारी आ गई है, और जिसकी वजह से मैं अब शादी नहीं कर सकती। तुम चाहो तो अपने लिए कुछ और सोच सकते हो। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरा इंतजार करो, और कब तक इंतजार करोगे? तुम्हारा इंतजार जो ना मैं अपने और तुम्हारे बुढ़ापे तक कर सकता, और वैसे भी इंशाल्लाह तब तक तुम्हारी ये जिम्मेदारियां खत्म हो ही जाएंगी, है ना? चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। फायजा देखो, आज हमने कितनी सारी शॉपिंग की है तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए, और ये कपड़े जो है ना ये किन्जा ने खास तौर से लिए, अच्छे हैं ना? हाँ अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है काफी बड़ा है। वैसे थैंक यू किन्जा। थैंक यू की क्या जरूरत, मैंने तुम्हारे थोड़ी अपने बच्चे के लिए लिए। फायजा जानती हूँ इतनी मैं हमेशा शॉपिंग करती हूँ, लेकिन आज जो मुझे मजा आया ना शॉपिंग करने में, इससे पहले कभी नहीं आया। और ये देखो ये कैसा है, ये देखो। जारा तुम किसी चीज में दिलचस्पी नहीं ले रही, क्या बात है? चाची आप मैरिड लोगों की बातें हैं, मुझे इसमें क्या इंटरेस्ट? जारा तुम जाकर नुमान से क्यों नहीं बात करती हो, वो भी अकेला बैठा बोर हो रहा होगा ना? नाउ दैट्स अ गुड आइडिया। इन फैक्ट मैं अपने और नुमान के लिए जाके कॉफी भी बनाती हूँ, उसको मेरे हाथ की कॉफी एक्चुअली बहुत पसंद है। क्यों, हम लोग तुम्हारे कुछ नहीं लगते, इतना स्पेशल ट्रीटमेंट सिर्फ नुमान के लिए क्यों? क्यों नहीं, अगर आप लोगों ने पीनी है तो मैं आप लोगों के लिए भी कॉफी बना देती हूँ। हाँ भाई हम सबके लिए भी बना लो, तुम्हारे हाथ की कॉफी तो बहुत ही अच्छी होती है। और फायजा तुम? थैंक यू, मुझे नहीं पीनी। अरे नहीं फायजा, तुम इसके हाथ की कॉफी तो पियो, एक दफा पियोगी ना इसकी दीवानी हो जाओगी। जारा ने जिसको दीवाना करना है ना उसी को कॉफी बनाकर पिलाए, मुझे इसका दीवाना होने का कोई शौक नहीं। Well, sure. अच्छा मामा मैं अपने रूम में जा रही हूँ। नहीं कोई जरूरत नहीं है, यहाँ बैठो मेरे पास, बस सारा वक्त कमरे में बंद पड़ी रहती हो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है।
अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आइए अंदर आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी कहाँ हैं? अंदर हैं। कुलसुम मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। सगी बहन होकर मैंने बुरे वक्त में तुम्हारा साथ नहीं दिया, बल्कि तुम्हारे साथ ज्यादती की मैंने। बस भी करें आपा, जब से आई हैं एक ही बात दोहराई जा रही है, क्यों शर्मिंदा कर रही है मुझे? तुम क्यों शर्मिंदा हो रही हो? शर्मिंदा तो मुझे होना चाहिए। और एक बात से मेरा दिल बहुत दुखी है, मैंने महनाज जैसी हीरा लड़की को ठुकरा दिया। छोड़ें आपा, जो वक्त गुजर गया है उसका जिक्र करने का क्या फायदा। आप ये बताएं, साकिब की जॉब कैसे चल रही है? अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है, अब सेट भी हो गया वो। अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह और तरक्की दे। मलिहा के मंगेतर का अपना बिजनेस है क्या? नहीं नहीं, उसका अपना बिजनेस नहीं है, उसके अब्बू का बिजनेस है। अरे भाई एक ही बात हो, बाप का बिजनेस हो या उसका। अच्छा महनाज का शौहर क्या करता है? महनाज का शौहर तो बस कुछ नहीं करता। क्या क्या मतलब? मतलब ये कि मैं उन्हें घर से निकाल दिया। कह रही है ये कुलसुम? वैसे कुलसुम महनाज ने ठीक किया उस कमबख्त के साथ। क्या फायदा ऐसे जख्म पालने का जो आगे चल के नासूर बन जाए? मुझे ऐसा लगता है आपा, जैसे मेरी बेटी बदनसीबी माते पे लिखवा कर आई है, जब भी तो उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना तुम। हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि इम्तिहान बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन याद रखना उसका नतीजा आगे चल के बहुत अच्छा निकलता है। मैं ये सोच रही थी कि उस शख्स को देखे बिना मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, तो हमारी महनाज ने इतने अरसे उसके साथ कैसे गुजारा किया होगा? अच्छा है वो उससे जान छुड़ा ले। लेकिन आपा, तलाक याफ्ता को ये माशरा जीने नहीं देता। अरे लानत भेजो इस दुनिया और माशरे को, वो किसी को जीने देते? बस तुम महनाज को संभालो, क्योंकि अभी तुम्हारे सहारे की जरूरत है उसको। तुमने रात के इस वक्त फोन क्यों किया है? रात नहीं मलिया, सुबह के 8 बज रहे हैं। क्या बात है, आज स्कूल से छुट्टी है तुम्हारी, नहीं जाना आज? 8 बज गए और मेरी आंख ही नहीं खुली, ये कैसे हो गया? ओहो वो तो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि रात भर तुम मेरे बारे में सोच रही होगी
और फिर जाहिर बात है अब तो नींद आएगी ना। हाँ, तुम्हें सोचने के अलावा मेरे पास और कोई काम ही नहीं है जैसे, है ना? वैसे तुम एक बात बताओ, तुम वहाँ काम करने गई हो कि मुझे बार बार कॉल्स करने गई हो? कल से तुम्हारी छठी कॉल है ये। जी मैं इस वक्त काम पे ही जाने वाला था, उससे पहले तुम्हें कॉल किया। अच्छा, वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि मुझसे काम नहीं होता तुमसे बात किए बगैर, एनर्जी नहीं मिलती मुझे। सही है, चलो फोन बंद करो, मुझे स्कूल के लिए तैयार होना है। हाँ ठीक है, मैं तैयार होने जा रहा हूँ और 2 घंटे बाद कॉल करूंगा तुम्हें। कोई जरूरत नहीं है, तुम भी काम करो और मुझे भी करने दो। खुदा हाफिज। असगर से बात कर रही हो फोन पे? है अम्मा पागल हो गई हो तुम? जब भी तुम्हें सोते जागते हर जगह ना असगर ही नजर आता है। दुनिया में और कोई नहीं रहा जिससे मैं बात करूंगी। अच्छा, अगर असगर से बात नहीं कर रही थी तो फिर मुझे देख के फोन क्यों बंद कर दिया? क्योंकि तुम्हें पसंद नहीं है ना मेरा किसी से भी फोन पर बात करना, इसलिए। ठीक है, दिखाओ। दो मुझे फोन में, देखूं किससे बात कर रही थी। दिखा। ये लो, तसल्ली से देख लेना, जब दिल भर जाए ना तब वापिस कर देना। अरे ये मनहूस वाली, ये क्या है, है? ये क्या अंग्रेजी में कीड़े मकोड़े, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मर मर पकड़। फिर लिया क्यों था? बताऊं तुम्हें क्यों लिया था? कान खोल के मेरी बात सुन ले, अगर असगर से बात की ना तो टांगे तोड़ दूंगी। जल्दी आ, काम में हाथ बटा मेरा। अम्मा तो हाथ धो के पीछे पड़ गई है मेरे। आप क्यों किचन में आई हैं? आपको तो आराम करना चाहिए था। जाएं आप, नाश्ता मैं बना दूंगी, छोड़ें। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मलिया, रात से पहले की तरह नाश्ता मैं ही बनाऊंगी। आपी, मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है आपको पहले की तरह काम करते देखकर। अब तो मुझ में बहुत सी चेंजेस देखोगी। वैसे आपी, खाला को भी आना नहीं चाहिए था, घर का माहौल भी ठीक नहीं है। वो खुद तो नहीं आई ना, को अम्मी ने बुलाया था तुम्हारी शादी के लिए। वो अलग बात है कि किसी को क्या पता था कि मेरी बदकिस्मती तुम्हारे रास्ते की रुकावट बन जाएगी। नहीं आपी, मेरा मतलब वो नहीं है। देखें, अगर असगर वापस आ गया और उसने खाला के सामने तमाशा लगा दिया तो खाला तो पूरे खानदान में हमारा इश्तियार लगा देंगी। जो बात छुप नहीं सकती, इसलिए उसको छुपाने का कोई फायदा भी नहीं है। और आज नहीं तो कल वो बातें खुलनी ही थी। और वैसे भी मैंने खाला को सारी बातें खुद ही बता दी। क्या आपने खाला को खुद बताया? हाँ, खुद बता दी मैंने कि मैं समझती हूँ कि जिस बात में मैं गलत नहीं हूँ, मैं उस बात से क्यों डरूं। लेकिन आप ही, खाला तो आपको ही बुरा समझेंगी ना। समझती रह मलिया। और मैंने कहा ना, जिस बात में मैं गलत नहीं, मैं क्यों डरूं उस बात से? मुझे वैसे भी अब किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ही, मुझे बहुत खुशी है कि आपने इतनी बहादुरी से अपने लिए स्टैंड लिया। अगर ऐसी बात है, चाहो अपने स्कूल की तैयारी करो, मुझे पता तुमने छुट्टियां कैंसिल करवा दी थी। अच्छा ठीक है। Thank you.
अरे सुन, ये सुबह सुबह तू कहाँ जा रही है? अरे अम्मा, ये तो तुम ना मौत के फरिश्ते की तरह कहीं से भी टपक पड़ती हो। ज्यादा बकवास ना कर, जो पूछ रही हो ना वही बता, किधर जा रही है? आ रही हूँ एक मिनट में। मैं पूछ रही हूँ जा कहाँ रही है? कमबख्त मारी, बता के तो जा। ये कहीं असगर की तरफ तो नहीं जा रही? क्या खिचड़ी पक रही है या अल्लाह, वो तो इसे बहुत नुकसान पहुंचाएगा। मेरे मालिक, मेरी बच्ची को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखना। आप ही जल्दी करें ना। अच्छा, बस मैंने कर लिया है। ये पूरा पड़ा हुआ है, क्या हो गया? शराफत से पूरा नाश्ता खत्म करो फिर जाना। बस ना आप ही, मेरा दिल नहीं चाह रहा, और इतने दिनों बाद स्कूल जा रही हूँ कि देर ना हो जाए मुझे, मैं बस निकलती हूँ। मलिया, तुम्हारी आदत कब ठीक होगी? तुम ना अपना खाने का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, खत्म करो इसे। आप ना मेरे लिए अच्छा सा खाना बना लेना, फिर दोनों बहनें मिलके खाएंगी। तो खाला मौजूद है ना यहाँ पे, सारे फरमाइशी खाने बनने वाले हैं। उसका मतलब है कूटा होने वाला। मैं चलती हूँ। ये थैंक यू। तो सारा नाश्ता जाया कर दी, कब सुधरेगी? मलिहा, मेरे साथ चलना। वो मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन अभी प्लीज मेरी अम्मा को बचा लो। क्या हुआ खाला को? वो हम लोग आ रहे थे, हम पता नहीं गली में बेहोश होके गिर गई, और वहाँ पे कोई भी मदद के लिए नहीं है। कौन सी गली आयशा? वो वाली गली में। आना मेरे साथ। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं। अरे किससे पूछूं किससे ना पूछूं, कहां चली गई मेरी बच्ची, कौन बताएगा मुझे? अरे कहीं वो असगर के पास तो नहीं चली गई? मगर वो तो कुलसुम के घर जाती नहीं है, तो फिर वो कहां गई, कैसे गई? या अल्लाह क्या करूं मैं? मेरे मौला, मेरी बच्ची तेरे सुपुर्द है, मेरी बच्ची की हिफाजत करना, उसे अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखना। मेरे मालिक, मेरी बच्ची खैरियत से आ जाए। हाय, मेरी बच्ची खैरियत से आ जाए, मेरे दिल को सुकून नहीं आ रहा। वैसे एक कप चाय मिल सकती है? मैं बैठे में बनाती। महनाज, तुम उसे नाराज हो? नहीं तो तुम्हें ऐसा क्यों लगा? क्योंकि मैं वादे तुमसे बहुत बड़े बड़े करके गया था, लेकिन पूरा एक भी नहीं कर सका। ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हें किसी गिल में रहने की जरूरत नहीं है। वैसे
तुम मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था। मैंने तो इतनी कोशिश भी की कि अम्मी को मना लूं हमारे रिश्ते के लिए, लेकिन वो सुरैया की सास। मैंने कहा ना, तुम्हें अपने सर पे किसी बोझ को लेने की जरूरत नहीं है। समझो हमारी किस्मत में एक होना लिखा ही नहीं था। वैसे तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। तुम अपने शौहर को क्यों छोड़ रही हो? आई थिंक मुझे तुमसे ये सवाल नहीं करना चाहिए था। तुम्हें बुरा लगा है ना? बुरा तो नहीं लगा, लेकिन ये जरूर सोच रही हूँ कि अगर तुम्हें बताया तुम्हें जरूर ये लगेगा कि मैं तुमसे शायद हमदर्दी हासिल करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जानता हूँ, लेकिन हम दोनों अच्छे दोस्त भी तो हैं। तुम मुझसे अपनी सब पर्सनल बातें शेयर कर सकती हो, और इवन तुम जो चाहो मुझसे पूछ सकती हो। आई डोंट माइंड। ठीक, तुम जाओ, मैं चाय लेकर आती। अच्छा, लेकिन एक चम्मच चीनी हो क्या? थैंक यू। डॉक्टर साहब, आप मेरी बहन की हालत बहुत जो है बहुत नाजुक है, प्लीज प्लीज आप इसे देखें एक बार, प्लीज देखें। हमने आपके पेशेंट को पेन किलर इंजेक्शन दे दिया है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन क्यों? आपको दिखाई नहीं दे रहा कि ये पुलिस केस है, और जब तक पुलिस नहीं आ जाती हम पेशेंट को हाथ भी नहीं लगा सकते। ये क्या बकवास है? आपको इसकी हालत नजर नहीं आ रही है क्या? जब तक पुलिस नहीं आएगी क्या ये तड़पती रहेगी? अगर इसे कुछ हो गया तो। देखें आप ज्यादा यहाँ मत चिल्लाएं, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। अगर आपको अपने पेशेंट की इतनी ज्यादा फिक्र है तो प्लीज आप प्राइवेट हॉस्पिटल चली जाएं। कुलसुम सुनो, मेरी आयशा तो नहीं आई यहाँ पे बेटा? कुलसुम मेरी आयशा को देखा, वो तुम्हारे घर तो नहीं आई? वो तो अक्सर आती है ना तुम्हारे पास। अरे बताओ तो सही। रजिया, आपने और आपकी बेटी ने जो आग मेरे घर में लगाई थी, उसके बाद आपको लगता है उसका मुंह था हमारे घर आने का? ओ, तो तुम हो रजिया जिसने मेरी भांजी को शैतान से भड़ा दिया। तुम्हें खुदा का खौफ नहीं है? जाओ जाओ बीबी यहाँ से, तुम्हारी बेटी यहाँ नहीं है, कहीं और जाके ढूंढो उसे। पूरा मोहल्ला उसे ढूंढ चुकी हूँ कुलसुम, लेकिन मेरी बच्ची मुझे कहीं नहीं मिली। मैंने सोचा तुम्हारे घर आई आऊंगी, लेकिन वो तो यहाँ पे भी नहीं है। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ चली गई। या अल्लाह, मैं कहाँ ढूंढूं अपनी बच्ची का। पानी पीजिए, परेशान मत हो, देखिएगा अभी हंसती खेलती वापस आएगी आयशा। प्लीज पानी पी लीजिए। अरे मेरा नाज, मेरा बच्चा, तुम किस कदर अच्छी बच्ची, अच्छी माँ की औलाद हो ना। मैंने किस कदर तुम्हारा बुरा किया, बुरा सोचा, लेकिन तुम फिर भी मेरे साथ इतनी हमदर्दी कर रही हो। पूरी किस्मत के अलावा कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता खाला। फोन आ रहा है बेटा। हेलो, मेरी आयशा का फोन है ना? हाँ मलिया। क्या? हाँ अभी आ रहे। ओके। अरे क्या हुआ? आयशा हॉस्पिटल में, मलिया उसके साथ है, वो कह रही थी जल्दी आ जाए आप लोग। क्या? अस्पताल में?
मेरी आयशा अस्पताल कैसे पहुंच गई? खाला वो तो वहां जाके पता चलेगा ना, बस आप दुआ करें कुछ सब खैरियत से हो, चले उठे। अरे चले किस चीज का इंतजार है? मैं चादर और बर्फ लेकर आती हूँ। बैग खाला, मेरी बच्ची को क्या हो गया? मेरी बच्ची को बद्दुआ लग गई, पता नहीं मेरी बच्ची कैसे पहुंच गई हॉस्पिटल। अरे चलो भाई चलो, जल्दी चलो, कब जाओगे? सर आपको जिस फॉर्म पे भी मेरे साइन लेने प्लीज दे रहे, लेकिन मेरी बहन का इलाज तो शुरू कर दे। देखिए बेबी प्लीज, सबसे पहले तो आप अपनी शनाख्त करवाइए, फिर इनकी शनाख्त करवाइए। मैं कैसे मान लूं ये आपकी बहन है? सर मैंने इन्हें आपको अपना आईडी कार्ड दिखाया तो है ना। लेकिन ये आईडी कार्ड आपका है, ये शनाख्त आपकी है, इनकी नहीं है। आप इस आईडी कार्ड से कैसे साबित कर सकती हैं आपकी बहन है? आपको एक इंसान की जान से ज्यादा अपने सबूतों की पड़ी है, चाहे वो मर क्यों ना जाए। देखिए मुझे डिस्टर्ब ना कीजिए, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। और वैसे बाय द वे मुझे तो ये कोई आशिकी माशूकी वाला ही चक्कर लगता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये हादसा मेरी वजह से हुआ है। क्या मतलब? आपकी वजह से? सर मतलब ये है कि वो जो कोई भी था उसका निशाना मैं थी, ये तो बेचारी बिना वजह मारी गई है। प्लीज प्लीज आप इसका इलाज शुरू करवा दें। लिया कैसी है मेरी बच्ची, क्या हुआ? हाय मेरी आयशा, अरे क्या हो गया इसको, मेरी बच्ची को? ये मेरी आयशा नहीं हो सकती, अरे इसकी हालत तो देखो। प्लीज आप हिम्मत करें सर, ये इसकी अम्मी है, आप प्लीज इनसे साइन करवा दें और इसका इलाज शुरू कर दें। प्लीज सर उसे कुछ हो जाएगा। बीबी आप मुझे ये बताइए कि आपकी बेटी की ये किसी से कोई दुश्मनी वगैरह तो नहीं थी? मतलब किसी ने कोई धमकी शमकी तो नहीं दी? नहीं नहीं जी, हम बहुत शरीफ लोग हैं, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। पता नहीं किसने ये सब मेरी बच्ची के साथ कर दिया। ये सर मैं आपको सारी सच्चाई बता दो चुकी हूँ। देखिए मेरी बात सुने, मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ, मुझे उनसे जवाब चाहिए। आप प्लीज बीच में ना बोले और मुझे डिस्टर्ब ना करें। जी बीबी आप बताइएगा तो ये सारा माजरा क्या है ये, और ये आपके अंदाजे से कौन कर सकता है ये सब कुछ? ये मुझे कुछ पता नहीं, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, पता नहीं किसने ये सब कुछ कर दिया मेरी बच्ची के साथ। तो ऐसे ही चलते फिरते कोई भी किसी पे तेजाब फेंक सकता है, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना। सर प्लीज खुदा के लिए आप अपनी इंक्वायरी बाद में कर लीजिएगा, पहले साइन करवा ले ताकि इसका इलाज तो शुरू हो सके। ठीक है आप सबसे पहले इसके ऊपर अंगूठा लगाइए और जैसे ही मरीज होश में आता है इसके बाद इनका भी बयान रिकॉर्ड होगा। जी ठीक है। नहीं लगा दिया, बस जल्दी से मेरी बच्ची को ले चले। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुम खैरियत से हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। ये मलिया वो आदमी था कौन और उसको तुमसे क्या दुश्मनी थी? महनाज मलिया की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है बेटा? ये आयशा ही है जिसने हर जगह हर किसी से दुश्मनी ली हुई है, उसका ही कोई जानने वाला होगा जो उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है। नहीं अम्मी, साफ साफ जाहिर हो रहा था कि वो जो कोई भी था वो मेरे पीछे आया था, मुझे मारने आया था, लेकिन मेरे गिरने की वजह से आयशा उसकी जद में आ गई। तुम उस गली से जा क्यों रही थी? वो तुम्हारा रास्ता भी नहीं है। क्यों? मैं पापी मैं स्कूल ही जा रही थी, रास्ते में मुझे आयशा मिली कि उसकी अम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो गिर गई है, तो उन्हें उठाने में मेरी मदद करो, मैं उसके साथ चली गई थी। नहीं रजिया खाला बिल्कुल सही सलामत हमारे घर आई थी आयशा का पूछने के लिए, लेकिन रजिया तो ये भी कह रही थी कि आयशा उन्हें बताए बगैर कहीं निकल गई है। तो फिर आयशा ने मुझसे वो सब क्यों कहा? तुम सब की सब पागल हो, साफ साफ सीधे नजर आ रहा है कि ये जो कुछ किया है ना उस चलाक आयशा ने किया है, किसी के साथ मिलकर तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती थी। लेकिन खाला आयशा ऐसा क्यों करेगी? बेटा तुम बहुत बावली, देखो ना मोहब्बत और नफरत में इंसान किसी भी हद से जा सकता है, और तो और मैंने ये भी सुना है कि वो तो फहद को भी पसंद करती थी आयशा, इसीलिए कहते हैं ना किसी के लिए खड्डा मत खोदो, खुद ही गिर गई ना, तुम्हें जलाने आई थी ना, तो अब देखो ना अल्लाह माफ करे पलंग पे खुद ही कोयला बन के लेटी गया। काला प्लीज ऐसा मत बोले, वो बहुत तकलीफ में है इस वक्त। उसे ये अपने अमालों की सजा मिली है। मुझे आपा की बात से इत्तेफाक है, अल्लाह आयशा को सेहत दे, वो जल्द ठीक हो जाए, लेकिन ये बात सही कह रही है आपा के ये दोनों माँ बेटियों का ही प्लान होगा। नहीं अम्मी
मुझे नहीं लगता। और प्लीज प्लीज आप आंटी से कुछ मत कहिएगा, रजिया खाला इस वक्त बहुत परेशान है, उन्हें हमारी जरूरत है। प्लीज प्लीज कोई कुछ मत कहे उन्हें, प्लीज अम्मी। अम्मी मलिया ठीक कह रही है, जो कुछ भी है अभी के लिए यही ठीक रहेगा कि हम रजिया खाला से कुछ ना कहें और उनका ख्याल रखें। देखो मलिया बेटा, तुमने आयशा के लिए जो कुछ करना था ना वो कर लिया। अब तुम दोनों कान खोल के सुन लो, इन लोगों के मामले में मैं तुम लोगों को पड़ता ना देखूं बस। चलो अब बहुत हो गया, अब चलो। नहीं नम्मी, सही कह रही है कुलसुम, बस चलो, वो जो कह रही है उसकी बात मानो। चलो चलो, जरूरत होगी ना मेरी। कुलसुम, मैं मलिया की खुशी में शरीक होने आई हूँ, लेकिन जब से आई हूँ तुम्हें किसी ना किसी परेशानी में देख रही हूँ। मैं तो तुम्हें कहती हूँ कि एक काले बकरे का सदका करवा लो घर में। पापा अपनी हैसियत के मुताबिक तो सदका देती रहती हूँ मैं, लेकिन पता नहीं परेशानियां हैं कि जाने नहीं छोड़ती। एक के बाद एक परेशानी खड़ी होती है हमें निकलने के लिए। अम्मी मैं आयशा को देखने हॉस्पिटल जा रही हूँ। कहाँ? तुम्हें समझाया है ना मैंने, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती। जब मैंने मना कर दिया है कि वहां यहाँ से कोई नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। अम्मी मैं बस उन्हें देख कर आ जाऊंगी, मेरा दिल नहीं मान रहा आयशा को और उसकी अम्मी को यूं अकेला छोड़ने का। हो सकता है उन्हें किसी चीज की जरूरत हो। देखो मलिया, तुम्हें जब साफ पता है कि आयशा ने तुम्हारी जान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी तो क्या जरूरत है दीवानी बनके उसके पास जाने की। हाँ आप ही समझाएं इसे, मेरी बात तो समझ में नहीं आती इसके। लेकिन अम्मी ये बात तो साबित नहीं हुई ना कि ये सब कुछ आयशा ने करवाया है। हो सकता है जो हम लोग सोच रहे हो वो गलत हो। हाँ हो सकता है, लेकिन ये भी तो सच है ना कि किसी ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। और क्या पता कोई ताक में तुम्हारे छुपके बैठा हो। इसलिए नहीं बेटा, मैं तुम्हें घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दूंगी। कुलसुम सही कह रही है, कोई जरूरत नहीं तुम्हें बाहर जाने की। अभी कुछ दिनों में तुम्हारी शादी हो जाएगी और शादी से पहले लड़कियां बाहर नहीं जाती हैं, बस घर में रहो। खाला ठीक कह रही है आपा, तुम कहीं नहीं जा रही, जाओ जाके रात के खाने का इंतजाम देखो।